वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो आज हम लोग जानने वाले हैं यूनियन बजट के बारे में। तो देखिए, यूनियन बजट मैंने क्यों नाम दिया, इसको बजट क्यों नहीं नाम दिया है, देखिए हमारे देश का जो बजट है, बजट का मतलब क्या होता है, कितना पैसा हम इस साल में खर्च करने वाले हैं, कहाँ कहाँ से हमको पैसा मिलने वाला है और किस किस एरिया में कितना कितना खर्च करने वाले, ये सारी जो डिटेल होती है उसको कहते हैं बजट। तो ये जो बजट होता है आगामी साल के लिए, यानी अगले आने वाले वर्ष में किस तरह से ये डील करेंगे, हम कैसे पैसा खर्च करेंगे, कैसा पैसा आएगा, जो साल गुजर चुका है उसमें कितना खर्च किया और कितना पैसा आया उसके बारे में जानकारी नहीं है, आने वाले साल में क्या होने वाला है उसका अनुमान, एक अंदाजा, उसको कहा जाता है बजट। ठीक है, और देखिए क्या है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं चित्र में, ठीक है, चित्र में आप देख पा रहे हैं कि ये जो लेडी है यहाँ पे, ठीक है, जिनका फोटो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, इनका नाम है निर्मला सीतारमन। क्या नाम है इनका? निर्मला सीतारमन। तो ये हमारे देश की क्या फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री हैं। तो देखिए इन्होंने कुछ बात कही है, अवर टैक्स सिस्टम, यानी हमारा जो टैक्स सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए, हैज टू बी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, लोगों को पता लगना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं बजट में, सरकार क्या कर रही है, ये लोगों को पता होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए एंड शुड प्रमोट इन्वेस्टमेंट। और ये प्रमोट करना चाहिए, किस चीज को प्रमोट करें, इन्वेस्टमेंट को, ताकि हमारे देश में पैसा आए, लोग वहां पे पैसा लगाएं, ठीक है, पैसा लगाएंगे तो रोजगार उत्पन्न होंगे इन द कंट्री, अब हमारे देश में, एट द सेम टाइम, और साथ ही साथ इट शुड पुट मिनिमम बर्डन, और कम से कम बोझ डालना चाहिए किस पे, अवर टैक्स पेयर, जो लोग टैक्स भरते हैं, पैसा देते हैं सरकार को, टैक्स दे रहे हैं, जैसे कि जॉब करने वाले लोग हो गए और आपके बिजनेसमैन हो गए, तो इन पे कम से कम बोझ पड़े, ये भी साथ ही साथ ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए जिस तरह से केंद्र सरकार यूनियन बजट पेश करती है, उसी तरह हर राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट भी अपना स्टेट का बजट पेश करती है। हर साल ये बजट पेश किया जाता है, ठीक है, कब पेश किया जाता है, हर साल, तो ये भी ध्यान रखना है, आपके ऑप्शन में 5 साल भी हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं जल्दी से। तो पहला पॉइंट ऑफ व्यू जान लीजिए, हम जो बजट को स्टडी करने वाले हैं वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से करने वाले हैं, ये बजट से हमारे एग्जाम में, आने वाले एग्जाम्स में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से, उस नजरिए से हम बजट को देखने वाले हैं, क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ, ठीक है, शराब महंगी होगी कि सस्ती होगी, ठीक है, और बाइक का, बाइक क्या होगी, महंगी होगी सस्ती होगी, इलेक्ट्रॉनिक सामान क्या होगा, इस नजरिए से हम नहीं देख रहे, हम किस नजरिए से देखने हैं, आने वाले वर्षों में, आने वाले समय में किस तरह से हमारे इस बजट से क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं। तो चलिए आगे कुछ स्टडी करते हैं। निर्मला सीतारमन जानी गई, ये जो लेडी है इनका नाम है, ये फाइनेंस मिनिस्टर है, वित्त मंत्री है हमारे देश की, फर्स्ट फुल टाइम फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब देखिए मैं कह रहा हूं, ये पहली देश की ऐसी महिला है जो पूरे समय के लिए कंप्लीटली वित्त मंत्री बनी है, ठीक है। तो भाई कभी कभी एग्जाम में ऑप्शन दे सकता है आपको कि देश की पहली, ठीक है, महिला फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री कौन है, अगर उसमें नाम दिया है निर्मला सीतारमन, इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, इस तरह से नाम दे सकता है, तो आप ध्यान रखिए देश की पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर जो थी, इंदिरा गांधी भी रह चुकी हैं, वो भी फाइनेंस मिनिस्टर, लेकिन साथ ही साथ वो प्राइम मिनिस्टर भी थी, ठीक है, तो ये जान लीजिए वो प्राइम मिनिस्टर होते हुए वित्त मंत्री भी थी, इस टाइप की चीजें, इसलिए कहा गया है इनको फर्स्ट फुल टाइम फीमेल, ठीक है। तो पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा शायद, ठीक है, अगर ऑप्शन में इंदिरा गांधी वगैरह नहीं रहता है तब आप सीतारमन मार सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन, ठीक है, लेकिन अगर इंदिरा गांधी का नाम है तो वो पहली वित्त मंत्री हैं, निर्मला सीतारमन पहली पूर्ण कार्यकाल की, और आप कह सकते हैं कंप्लीटली इनके पास केवल वित्त मंत्रालय ही है, ठीक है, तो ऐसी ये फीमेल है, ठीक है, जान लीजिए अंतर, ठीक है। तो यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है। आगे चलते हैं, रिप्रेजेंटेड ऑन डेटेड 1 फरवरी, इन्होंने बजट पेश किया है 1 फरवरी 2021 को, यानी अभी लगभग 3-4 दिन पहले की बात है, 3 दिन पहले की बात है। इट वाज हर थर्ड बजट, ठीक है, कौन सा बजट पेश किया है इन्होंने, तीसरा बजट पेश किया, यानी ये इनका, इनके द्वारा पेश किया गया तीसरा बजट था, ठीक है। अब देखिए एक रिकॉर्ड और इनके नाम है, लॉन्गेस्ट स्पीच ऑफ हर, इन्होंने जब बजट पेश किया था तो लोगों को संसद में बताती हैं कि भाई हम बजट में ये करने वाले हैं, तो इनके जो भाषण हुआ था, स्पीच हुई थी, वो 2 घंटे 42 मिनट की हुई थी 2019 में। इस बार की बात नहीं कर रहे हैं, पिछले साल की बात कर रहे हैं, 2019 में जो बजट पेश किया था वो 2020 और 21 के लिए पेश किया गया था, तो उस टाइम पे इन्होंने क्या किया था, सबसे लंबा भाषण दिया था, किसी भी वित्त मंत्री ने इतना लंबा भाषण बजट पेश करने के दौरान नहीं दिया था, वो कितना था, 2 घंटे 42 मिनट के आसपास वो था। और हालांकि इनकी तबीयत खराब हो गई थी बजट को पेश करते करते लास्ट में, ठीक है, तो हो सकता है ये शायद उस टाइम पे 1-2 पेज रह गया हो इनका, तो उस टाइम पेश नहीं कर पाई थी 1-2 पेज, ठीक है, यानी मोस्टली इन्होंने डील कर लिया था उस चीज से, तो ये रिकॉर्ड भी इनके नाम है।
ठीक है, रिप्रेजेंट्स बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21। कौन से ईयर के लिए किया है इन्होंने? 2020-21 के लिए। लगातार तीसरी बार बजट इन्होंने पेश किया है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्या है, फर्स्ट पेपरलेस बजट, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत का पहला पेपरलेस बजट, यानी पहले क्या हुआ करता था, जैसे कि आप देख पा रहे हैं पिछली स्लाइड में, इन्होंने एक बैग लिया हुआ है, ठीक है। ये क्या लिया, छोटा सा एक कवर लिया है, आप कह सकते हैं इनको, इसका बैग कह लीजिए या वॉलेट कह लीजिए, इस टाइप का छोटा सा हुआ। इससे पहले वर्षों में क्या हुआ करता था, एक बहुत ही भारी बैग, ठीक है, वो लेदर का बैग हो सकता था, ठीक है, या सूटकेस टाइप का एक लिया रहते थे, और उसमें कागज वगैरह होते थे, तो उन कागज पे लिखे हुई डिटेल्स होती थी, उनको बजट बोला जाता था, ठीक है। तो पहले पेपर के फॉर्म में बजट पेश किया जाता था, लेकिन इस बार जो बजट पेश हुआ वो पेपरलेस है, उसमें किसी भी कागज का इस्तेमाल नहीं किया गया। इस वॉलेट में, इनके पास जो वॉलेट था उसमें क्या था, उसमें था इनका टैबलेट, ठीक है, टैबलेट था, तो उसके थ्रू इन्होंने वहां पे रीड किया, लोगों को बताया कि भाई हम ऐसे ऐसी कोई चीजें करने वाले हैं। तो ये फर्स्ट हिस्टोरिकल बजट, हिस्टोरिकल क्यों जाता है, क्योंकि फर्स्ट पेपरलेस बजट है ये। तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। किसके द्वारा पेश किया गया फर्स्ट पेपरलेस बजट, ये क्वेश्चन बन सकता है। किस ईयर में किया गया, किस फाइनेंशियल ईयर के लिए किया गया, तो यहां से दो तीन क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। बजट जो है, बजट वर्ड, ये जो शब्द है बजट, इट ओरिजिनेट फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड। ये कहां से उत्पन्न हुआ बजट वर्ड, ये हुआ है फ्रेंच वर्ड से। फ्रेंच भाषा का एक शब्द है जिसका वर्ड का मीनिंग होता है बगेट, ठीक है, यानी इट मींस, और इसका मीनिंग क्या होता है, लेदर बैग। इसका मीनिंग क्या होता है, लेदर का एक बैग, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसका मीनिंग भी आपसे पूछ सकता है। और चलते हैं आगे, रिप्रेजेंटेड बाय टैबलेट, ठीक है, किससे द्वारा, टैबलेट के फॉर्म में ये रिप्रेजेंट किया गया था, टैबलेट के द्वारा उन्होंने पढ़ा था, ठीक। चलिए, टू मेक अवेलेबल फॉर पब्लिक, पब्लिक को ये अवेलेबल कराने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक ऐप भी बनाई है, एक ऐप भी लॉन्च की है, ठीक है। कौन सी ऐप लॉन्च की है, तो इसका नाम ये देख लीजिए, यूनियन बजट, ठीक है, और मोबाइल ऐप। कौन सी ऐप डाउनलोड की है, सॉरी लॉन्च की है, यूनियन बजट मोबाइल ऐप। तो इसको देख लीजिए, ऐसी दिखती है, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगी, इस टाइप का सिंबल है इसका, तो देख लीजिए आप, ये इन्होंने किया ताकि सभी लोगों के पास बजट का एक एक पन्ना आसानी से पहुंच सके। अब देखिए, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, जहां के मैं डार्क कर रहा हूं अभी, ये गोला बना रहा हूं। देखिए एक्चुअली में क्या होता है, हमारे संविधान में कहीं भी बजट का इस्तेमाल, बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। वो बजट को क्या कहते हैं, द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये बिल्कुल ध्यान कर लीजिए, हमारे संविधान में या कॉन्स्टिट्यूशन बजट में कहीं भी बजट का जिक्र नहीं होता है। बजट के लिए जो नाम प्रीफर किया जाता है, नाम लिया जाता है, उसका नाम है द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये तो सहूलियत के लिए, मीडिया के लिए, आम बोलचाल की भाषा में हम उसको बजट बोल देते हैं, लेकिन ऑफिशियली इसको बोला जाता है द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्रूशियल हो सकता है आपके लिए। चलिए आगे चलते हैं, कुछ विशेषताएं जान लेते हैं इस बजट की। थीम ऑफ द बजट, जैसे कोई भी हम काम करते हैं तो उसकी थीम होती है, यानी किस चीज पे ज्यादा फोकस रहता है, तो उस चीज को थीम बोला गया। तो ये आपसे पूछ सकता है, विच ऑफ द वन इज थीम ऑफ द बजट, इस टाइप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट किए जा सकते हैं। तो थीम ऑफ द बजट याद कर लीजिए आप, अच्छे से याद करना है इसको, आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। क्या है थीम, आत्मनिर्भर भारत एंड द संकल्प ऑफ नेशन फर्स्ट, यानी कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है एंड द संकल्प ऑफ नेशन फर्स्ट, देश पहले होना चाहिए, तो ये इसकी थीम दी गई है, ठीक है, यानी इन चीजों पे ज्यादा फोकस इस बजट में किया गया है। चलिए आगे चलते हैं, सिक्स पिलर्स ऑफ द बजट, इस बजट के छह पिलर हैं जिन पे पूरा बजट टिका हुआ है, जैसे कहते हैं आधारशिला है उस तरह से। तो ये पिलर्स क्या है, छह बजट के पिलर हैं, उनको भी आप जान लीजिए, क्या है, हेल्थ एंड वेलबींग, ठीक है, हेल्थ आप जानते हैं, स्वास्थ्य होता है, वेलबींग यानी सभी की खुशी हो, सबकी सुखद अनुभव करें। चलिए, फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। थर्ड, इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया। नेक्स्ट है री इन्विग्रेटिंग ह्यूमन कैपिटल, ये हो गया। फिफ्थ वन, इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सिक्स्थ लास्ट वन, द मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये रेलवे यहां से गलत टाइप हो गया, ठीक है। तो ये छह कॉलम है, छह पिलर्स हैं, जो शब्द आपको याद करने। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है आपके एग्जाम में, क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा 2021-22 का जो बजट पेश किया गया उनका एक पिलर नहीं है, ठीक है। तो ऐसे करके ऑप्शन आपको दे सकता है, तो छह के छह
एग्जैक्ट सारे शब्द आपको याद ना हो, लेकिन हाँ एक ओवरव्यू जरूर ले लीजिएगा कि हाँ भाई ये टर्म्स उसमें यूज हुए थे, तो आप आइडिया लगा सकते हो, टिक मार्क करके आ सकते हो कि हाँ भाई ये चीज उसमें थी और ये चीज वहां पे नहीं थी। चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई रेलवे, जो लोग रेलवे के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या दे रहे हैं एग्जाम, उनके आने वाले रेलवे के एग्जाम में ये पॉइंट है, ये स्लाइड से बहुत क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो रेलवे के बारे में जान लेते हैं। टोटल एलोकेशन यानी रेलवे डिपार्टमेंट को टोटल पैसा कितना दिया गया, इतना पैसा दिया गया 110055 करोड़, इतना पैसा दिया गया है रेलवे डिपार्टमेंट को। तो ये आप इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, डाटा भी आप रख लीजिए, रेलवे के एग्जाम में ये पूछ सकता है। इंडियन रेलवे हैव प्रिपेयर्ड ए नेशनल रेल प्लान, और ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय रेलवे ने एक नेशनल रेल प्लान बना लिया है, ठीक है, फॉर इंडिया, भारत के लिए, फॉर इंडिया 2030 और 2030 तक के लिए एक प्लान इन्होंने तैयार कर लिया है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, नेशनल रेल प्लान, ठीक है, ये कौन से ईयर तक के लिए है, 2030 तक के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रेलवे ने क्या बनाया, नेशनल रेल प्लान बनाया 2030। अब देखिए इट विल क्रिएट, इस प्लान में होगा क्या, इट विल क्रिएट, यहां से क्रिएट करेंगे कुछ रखा गया कि आगे भाई किस तरह से काम करेंगे, विल क्रिएट फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम, ये फ्यूचर भविष्य के लिए रेडी, पहले से तैयार रेलवे सिस्टम बनाएंगे, कब के लिए, 2030 के लिए। ठीक, आगे चलते हैं, दैट इज, इसका मीनिंग क्या निकलता है यार, बनाएंगे, ठीक है, इसका मीनिंग क्या निकल पा रहा, तो मीनिंग क्या निकल रहा है, एडिक्वेट रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि पटरियां बिछाएंगे, ट्रेनें और सब बहुत सारी डेवलप करेंगे, या और कहीं पटरी बिछाने की जरूरत है तो वहां करेंगे, इलेक्ट्रिफिकेशन करेंगे, बहुत सारे मतलब जितने रिसोर्स हैं, जितने चीजों की जरूरत पड़ती है वो सब ये डेवलप करेंगे, क्रिएट किए जाएंगे। विल बी क्रिएटेड विच कैन हैंडल ट्रैफिक रिक्वायरमेंट, यानी देखो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पैसेंजर ज्यादा से ज्यादा ट्रेवल कर रहे हैं ट्रेन से, और आगे आने वाले वर्षों को देखते हुए कि भाई पैसेंजर बढ़ेंगे तो ज्यादा ट्रेनें भी चाहिए होंगी, तो आने वाले वर्षों में ट्रैफिक की रिक्वायरमेंट कितनी होगी। ठीक है, ये 2030 तक अप्लाई कर दिया जाएगा, और कब तक की रिक्वायरमेंट के लिए, 2050 तक, ये ऐसे है ना, एक अंदाजा लगाया जाता है भाई इतने साल में इतने हुए तो अगले साल इतने बढ़ जाएंगे पैसेंजर इतने साल, तो 2050 तक की ये रिक्वायरमेंट पूरी कर सके। ठीक है, ये सब चीजें नेशनल रेल प्लान के अंतर्गत आ जाएंगी, तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, टारगेट टू डिक्रीज लॉजिस्टिक कॉस्ट, और ये भी यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा, ये टारगेट हम सेट कर रहे हैं कि लॉजिस्टिक कॉस्ट को डिक्रीज किया जाए। लॉजिस्टिक कॉस्ट क्या होती है भाई, देखो हमारे देश में, देश के विभिन्न हिस्सों में, विभिन्न राज्यों में क्या है, बहुत सारे प्लांट, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह माल पहुंचाने के लिए भाई ट्रेन का सारा लिया जाता है, ट्रकों से माल पहुंचाया जाता है, तो उसके लिए क्या करना है, हम ये चाह रहे हैं कि भाई आने जाने में जो माल गाड़ी है उनका किराया कम से कम लगे, कम से कम दाम में पार्ट्स एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सके, तो इसका क्या है, कॉस्ट घटाने की कोशिश की जा रही है। चलिए, और हाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ब्रॉड गेज, जो ब्रॉड गेज की पटरियां चौड़ी होती हैं, जो कि बिल इलेक्ट्रिफाइड, उनको इलेक्ट्रिफाइड कर दिया जाएगा, यानी कोयले से वहां पे कोई भी गाड़ी नहीं चलेगी, सब इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगी। ठीक है, और 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया जाएगा, कब तक, लक्ष्य कब तक का रखा गया, 2023 का, ये ध्यान रखना है कब तक का लक्ष्य रखा गया, 2023 का। तो रेलवे के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आगे आने वाले वर्षों में। चलिए, और साथ ही साथ इंडिजीनियस यानी भारत में ही निर्मित, भारत के देश में ही निर्मित डेवलप ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, देखिए क्या है, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, यानी रेलवे टक्कर हो जाती है, गिर जाती है, पलट जाती है, कौन सी पटरी पे कौन सी चीज जानी है नहीं जानी है, इनका ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम भी लाया जाएगा, और वो पूर्णतः भारत में ही डेवलप किया हुआ होगा। चलिए, और जानते कुछ इंपॉर्टेंट बातें, दूसरी चीज आते हैं पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, ये क्या है, इसके लिए दिया गया 64180 यानी 64,180 करोड़ का बजट इसके लिए एलोकेट किया गया, दिया गया है। अब इसमें करेंगे क्या भाई, इतना पैसा देना इसको, ये करने क्या वाले हैं, ठीक है, तो देखो क्या करने वाले हैं, फॉर नेक्स्ट 6 ईयर, अगले 6 वर्षों के लिए ये पैसा इनको दिया गया, एक वर्ष के लिए नहीं दिया गया, आने वाले 6 वर्षों के लिए, यस टू टैकल विद पैंडमिक इन फ्यूचर, यानी आने वाले वर्षों में, आने वाले समय में, ऐसा जैसे कोरोना पैंडमिक आया था, कोविड महामारी आई थी, ऐसा कोई बीमारी ना आ जाए, कोई पैंडमिक ना आ जाए, तो उससे निपटने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए ये इतना बजट दिया गया है। ठीक, क्या करने वाले हैं हम इसमें, देखिए क्या करने वाले हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन की स्थापना करने वाले हैं, उनको एस्टेब्लिश करने वाले हैं फॉर वन हेल्थ,
ठीक है। तो ये शब्द यूज किया गया वन हेल्थ, तो इस शब्द को ध्यान से देख लीजिए, ये आपके आने वाले एग्जाम में ट्रेंड कर सकता है वन हेल्थ। अब वन हेल्थ के अंतर्गत, इस प्लान के अंतर्गत हम करेंगे क्या, इट इज ए रिसर्च प्लेटफॉर्म, यानी ये रिसर्च करेगा। ये प्लेटफॉर्म क्या है, इंस्टीट्यूशन डेवलप करेंगे, यानी स्कूल कॉलेज टाइप के डेवलप करने वाले हैं, वहां पे रिसर्च की जाएगी, उसको नाम क्या दिया गया, वन हेल्थ प्लान। ठीक है, तो वन हेल्थ प्लान के अंतर्गत क्या करेंगे, ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि क्या करेगा, ठीक है, क्या करने वाला इन इंडिया, ये हम रिसर्च प्लान मतलब डेवलप करेंगे, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन स्थापित करेंगे विद द हेल्प ऑफ WHO, किसकी मदद से, WHO की मदद से। तो वन हेल्थ, भारत सरकार किसकी हेल्प ले रही है, WHO की, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट विल कवर एंटायर साउथ ईस्ट एशिया रीजन, और ये केवल भारत के लिए नहीं, डेवलप इंस्टीट्यूशन जो बनाए जाएंगे वो भारत में बनाए जा रहे हैं, लेकिन किसके लिए है, साउथ ईस्ट एशिया, पूरे एंटायर रीजन, साउथ ईस्ट एशिया रीजन के लिए है पूरे, ठीक है। और इसमें करने क्या वाले हैं भाई साहब, ये इतना बड़ा बना रहे हैं, इसके लिए करेंगे क्या, फूड सेफ्टी, ठीक है, यानी खाद्य सुरक्षा, और साथ में साथ कंट्रोल ऑफ जोनोसिस डिजीज। ये जोनोसिस डिजीज क्या होती है, बीमारियां कौन सी होती हैं, तो भाई ये वो बीमारियां होती हैं जो एनिमल से, पशुओं से, जानवरों से इंसानों में फैल जाती है, या इंसानों से फिर इंसानों में भी फैलने लगती है, ऐसी बीमारियां हैं, तो इनके बारे में जानकारी इकट्ठा की जाएगी, ये भाई ये कहाँ पनपती हैं और किस तरह से इंसानों में, एनिमल से इंसानों में ट्रेवल करती हैं और इंसानों में फिर कितनी तेजी से फैलती है, तो इनके बारे में स्टडी की जाएंगे, यानी ये भविष्य को देखते हुए आगे की तैयारी की जा रही है। और साथ ही साथ जानिए, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया फ्लू, अभी आपने देखा वर्ड फ्लू आया था, ठीक है, रेबीज, ये कुछ बीमारियां, इनके बारे में हम जानेंगे। तो आप और देखो और क्या है, 9 बायो सेफ्टी लेवल 3, यानी बायो लेवल सेफ्टी प्लांट लगाए जाएंगे या पार्क लगाए जाएंगे, किस लेवल के, लेवल 3 के। 4 रीजनल, रीजनल स्पेलिंग गलत हो गई, आप समझ जाइएगा, ठीक है, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। 4 रीजनल इंस्टीट्यूट फॉर वायरोलॉजी, 4 इंस्टीट्यूट भी बनाए जाएंगे, 4 इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे फॉर वायरोलॉजी। वायरोलॉजी क्या होती है, तो भाई आपने देखा होगा चाइना से फैला था क्या कोरोना, कौन से इंस्टीट्यूट से, वुहान वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट। वायरोलॉजी मतलब ऐसा इंस्टीट्यूट जहाँ पे वायरस की स्टडी की जाती है, वायरस किस तरह से बीमारी को फैलाता है, ये कौन से वायरस के क्या फंक्शन होते हैं, ये स्टडी की जाएगी इन 4 रीजनल इंस्टीट्यूट फॉर वायरोलॉजी के लिए। तो कहाँ पे स्थापित होने वाले हैं, ये भारत में। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आगे चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए क्या है, एक टर्म लिखा है यहाँ पे न्यूमोकल, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, न्यूमोकोकल, ठीक है। तो ये क्या है, एक दवाई है, एक वैक्सीन है, किस बीमारी के लिए, न्यूमोनिया, ठीक है। तो पी लगाया तो भाई पी यहाँ पे साइलेंट है, ठीक है, साइलेंट है, छुपा रहता है। न्यूमोनिया के लिए दवाई है न्यूमोकल, मेड इन इंडिया, ये कंप्लीटली 100% भारत में बनी है, और इट विल अवर्ट, इससे क्या होगा, भारत में बनी है, हालांकि अभी ये भारत के केवल 5 राज्यों में मिल रही है, लेकिन अब कोशिश की जा रही है कि इसको पूरे देश में बंटवाया जाए, भिजवाया जाए, क्योंकि क्या होता है, देखो बाहर से हम दूसरे देशों से दवाई खरीदते थे तो वो महंगी पड़ती थी, हमको कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती थी, तो हम इतनी सारी दवाइयाँ नहीं खरीद पाते थे, कुछ लोग रह जाते थे बेचारे, नहीं मिल पाती थी। तो इससे क्या अंदाजा लगाया जा रहा है कि लगभग 50,000 बच्चों की जान को हम यहाँ पे बचा पाएंगे। तो ये आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनेगा, भाई न्यूमोकल क्या है, तो वो कहेगा न्यूमोकल एक वैक्सीन है जो कोरोना के लिए इस्तेमाल होती है, जो न्यूमोनिया के इस्तेमाल होती है, ये दवाई भारत में बनाई जाती है। तो ऐसे आपको ऑप्शंस दे सकता है, तो उसमें से आपको सही ऑप्शन सेलेक्ट करना हो सकता है, ठीक। और जानिए कुछ चीजें और जानते हैं, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क, और क्या बनाया जा रहा है, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क, इसको क्या कहा गया, मित्रा, यानी मित्र बोल देंगे हिंदी में, ठीक है। और इसके अंतर्गत क्या करने वाला है, टेक्सटाइल आप जानते हैं कपड़े से रिलेटेड होता है, तो कपड़े के लिए बहुत सारे पार्क बनाए जाएंगे, यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रमोट करने की जरूरत ये महसूस कर रहे हैं। 7 पार्क बनाए जाएंगे, विल बी लॉन्च्ड इन नेक्स्ट ईयर, आने वाले 3 सालों में ये 7 पार्क बनाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, यानी दूरदर्शिता यहाँ पे दिखाई जा रही है कि भी आगे किस चीज से इंडस्ट्री को हमारे देश में डेवलप किया जाना चाहिए। और आप ये भी जान लीजिए, इस बजट में 35,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, किसके लिए 35,000 करोड़ रुपए किसके लिए दिए गए, COVID-19 की वैक्सीन के लिए, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, और भाई कोरोना के लिए तो कोई भी पॉइंट आ जाए वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, हमेशा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो वाला पॉइंट आपके लिए। और देखिए और भी कुछ चीज जानने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पे, जो हेल्थ सेक्टर है हमारा, ठीक है, आप जानते हैं हेल्थ सेक्टर है, उसको कितना दिया गया, तो एक ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे,
2020-21 में जो बजट दिया गया था कितना दिया गया था, 94452 यानी 94,452 करोड़ इतने रुपए दिए गए थे 2020-21 के बजट में, जो कि 2021-22 यानी इस साल जो बढ़ा के कितना कर दिया गया है, देखिए कितना कर दिया, पिछली बार कितना था 94, अब कितना कर दिया है 223 यानी 94 से सीधे 223 यानी कितना इजाफा हो गया इसमें, तो ये हो गया भाई 137% का इजाफा हो गया है। तो ये 137 ये डाटा भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये इस बार कितना बजट एलोकेट किया गया, ये दोनों डाटा आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए आगे और कुछ चीजें जानते हैं। न्यूट्रिशन यानी आप जानते हैं पोषण क्या होता है, तो देखो इसमें कह रहा है एक स्कीम चला करती थी सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम, तो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम को और साथ में पोषण अभियान भी एक चला करता था, इन दोनों प्रोग्राम को हम मर्ज करने वाले हैं, यानी एक में ही मर्ज कर देंगे, दोनों को एक में ही मिला देंगे और नया क्या करेंगे लॉन्च करेंगे, जिसका नाम दिया जाएगा पोषण 2.0। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप से बन सकता है कि पोषण 2.0 किन दो को मिलाने से, किन दो जो हमारी स्कीम चल रही थी उनको मिलाने से बना है, तो इन दो के नाम दे सकता है, या ये भी दे सकता है कि भाई इन दोनों को मिलाने से नया जो स्कीम लॉन्च की जा रही है वो कौन सी है, तो पोषण 2.0 ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं, यूनियन बजट 2020-21 के बारे में और भी कुछ ज्यादा जानकारी यहाँ पे लेना चाहेंगे हम लोग। ठीक है, क्या है, डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर फॉर बैंक कस्टमर 5 लाख, यानी कि देखो क्या होता था, जैसे कि आपका पैसा जमा है बैंक में, ठीक है, पैसा जमा है बैंक में, सपोज करो आपका 10 लाख रुपए जमा है बैंक में, और अचानक से बैंक लूट गया, ठीक है, बैंक डूब गया, कुछ हो गया, मतलब बैंक तबाह हो गया कुल मिला के, अब आपको क्या आपका पैसा वापस मिलेगा क्या, या आपका पैसा भी चोरी हो गया या आपका पैसा डूब गया, तो देखो भाई तो ये क्या होता है, डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर, यानी कि अगर बैंक डूब जाए कुछ हो जाए तो उस केस में पहले क्या होता था, 1 लाख रुपए तक उस कस्टमर को दिया जाता था, यानी चाहे तुम्हारा कितना ही पैसा जमा हो लेकिन हम देंगे कितना, 1 लाख देंगे, ठीक है, अगर आपका 1 लाख से कम जमा है, सपोज करो 50,000 जमा है तो आपको 50,000 मिलेगा, लेकिन अगर 1 लाख से ज्यादा है तो आपको मिलना कितना है, 1 लाख मिलेगा, इतना कवर गवर्नमेंट दिया करती थी, लेकिन अब क्या कर दिया, इसको बढ़ा के क्या कर दिया गया, 5 लाख, यानी आपका इंश्योरेंस कवर कितना कर दिया बैंक के लिए, 5 लाख, यानी आपका 10 लाख रुपए जमा था, बैंक डूब गया, कुछ हो गया, तो आपको 5 लाख रुपए तो श्योरिटी है कि वो आपको मिलना ही मिलना है। तो ये क्यों किया गया भाई, देखो हाल फिलहाल में बैंक से बहुत ज्यादा धोखाधड़ी के केसेस सामने आए थे, तो उसको देखते हुए कस्टमर का, जो हमारे कस्टमर है, देश के लोग हैं, उनका विश्वास बैंकों से हटे ना डोले ना, इसके लिए क्या किया, उस कवर की लिमिट को शायद बढ़ाया गया है यहाँ पे। और इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं, 100 न्यू सैनिक स्कूल को भी यहाँ पे एस्टेब्लिश सेटअप करने की बात की जा रही है। और जानते हैं कुछ चीजें, नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन, ये जान लीजिए, ये ऐसा शब्द है आज तक अभी तक भारत के इतिहास में कभी भी इस्तेमाल नहीं किया गया था ये वर्ड, नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन, तो अपने आप में एक नया वर्ड है, ठीक है, यानी हाइड्रोजन एनर्जी, ठीक है, हाइड्रोजन से एनर्जी बनाने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये मिशन इन्होंने लॉन्च करने की बात कर रहे हैं, और इट कैन प्रोड्यूस एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी। देखो अभी क्या होता था, एनर्जी ये बनाते थे हाइड्रोजन से बनाते थे, तो उसमें क्या होता था, इसको एनर्जी को जनरेट करने में बहुत ज्यादा एनर्जी हमारी लगती थी, जो कि इको फ्रेंडली नहीं हुआ करती थी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि एनर्जी डेवलप की जाए और साथ ही साथ किससे इको फ्रेंडली रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो आप ये ध्यान कर लीजिए, ये शब्द हाइड्रोजन एनर्जी मिशन पहली बार यूज किया गया है 2021-22 के बजट में। चलिए और जानते कुछ स्कीम, जल जीवन मिशन, ठीक है, तो जल जीवन आप जान ही रहे हैं कि भाई जल से रिलेटेड है कुछ, 2.87 लाख करोड़ इसके लिए बजट दिया गया, इतना फंड दिया गया, यूनिवर्सल वाटर सप्लाई, भाई लोगों को पीने का पानी आसानी से मिल सके, स्वच्छ साफ पानी उनको मिल सके, उसके लिए 2.87 लाख करोड़ दिया गया। और हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट क्या भाई, सबसे इंपॉर्टेंट तो भूल ही गए पॉइंट, ये है अर्बन यानी शहरी, ठीक है, किसके लिए है, शहरों के लिए, शहरों में साफ स्वच्छ जल लोगों को पीने का पानी अवेलेबल हो, उसके लिए बजट दिया गया है। तो इसमें आपको दे सकता है कि इस स्कीम के अंतर्गत कौन से एरिया को कंसीडर नहीं किया गया, तो इसमें ब्लेजेस जो होते हैं, गांव वगैरह जो होते हैं, उनको कंसीडर नहीं किया गया, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको कंफ्यूज कर सकता है एग्जाम में। टैक्स रिटर्न फाइलर्स, यानी ऐसा भी देखा गया, देखिए कुछ इसमें डिस्कस की गई है चीजें, कि 2014 से लेकर अभी तक जो बात चल रही थी,
ठीक है, 2014 में जो था क्या, लगभग 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ लोग टैक्स भरा करते थे, इनकम टैक्स भरा करते थे, यानी फाइल किया करते थे उसको। ठीक है, तो उसमें क्या होता है भाई, जब आप जॉब करने गए पे तो आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं, हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि आप भाई पे ही करते हो गवर्नमेंट को, आप पे नहीं करते हो, कभी कभी आप उस लिमिट में आते हो कि भाई आप इतना कमा रहे हो तो आपको कुछ भी नहीं पे करना है। ठीक है, और कभी कभी आप उस लिमिट से ऊपर जाते हो तो आपको इतने परसेंट पे करना है, और ज्यादा कमा रहे हो तो और ज्यादा परसेंट पे करना है, इस तरह की लिमिट हुआ करती है। तो ये फाइलर्स हैं जो फाइल किया करते थे केवल, ये जरूरी नहीं कि वो पे ही करते हैं गवर्नमेंट। ठीक है, तो फाइल करना और पे करने में थोड़ा अंतर है, जो कि बढ़ के कितना हो गया 2020 में, ये बढ़ के डाटा कितना हो गया 6.5 करोड़, यानी 2014 में कितना था 3.5 करोड़, अब कितना हो गया 6.5 करोड़, लगभग डबल होने में कुछ ही कमी है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि पिछले लगभग 6 वर्षों में ये संख्या लगभग दुगनी हो चुकी है। ठीक है, कितनी हो चुकी है, दुगनी हो चुकी है, यानी लोग बता रहे हैं कि हम भाई जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो हम उस श्रेणी में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, वो बात अलग है कि आप पे करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन लोग ये बता रहे हैं कि हाँ भाई हम आने वाले समय में आपको पे कर सकते हैं अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो। ठीक है, तो यानी टैक्स फाइलर्स का मतलब है कि इतने लोग जानकारी, अपनी सूचना गवर्नमेंट तक पहुंचा रहे हैं। ठीक, और देखिए हेल्थ सेक्टर, स्वास्थ्य सेक्टर को 2020-21 में कितना बजट दिया गया था, 94452, ठीक है, कितना है, इतने करोड़, और फिर कितना गया, ये डाटा मैं शायद पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, 223, 223, 94 सीधा कितना हो गया 223 करोड़, तो यानी 137% का इजाफा हुआ है, ये पॉइंट पहले भी डिस्कस किया जा चुका है। चलिए लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, एयर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन देखिए, देश की समस्या ये बढ़ती जा रही है, दिल्ली मुंबई ऐसे ऐसे शहरों में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन की समस्या होती जा रही, तो उसको देखते हुए एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए भी हमारे बजट में कुछ चीज़ें की गई हैं। उसमें क्या किया गया, टू टैकल यानी को हैंडल करने के लिए, एयर पोल्यूशन को हैंडल करने के लिए 2217 करोड़, इतने करोड़ रुपए का बजट दिया गया है फॉर 42 अर्बन सेंटर्स। अर्बन मतलब शहरों में, भाई पीने की समस्या कहाँ होगी, सॉरी पॉल्यूशन समस्या कहाँ होगी, गाँव में तो होगी नहीं बहुत ज़्यादा, कहाँ होगी। ठीक है, अर्बन यानी शहरों में होगी, तो ऐसे 42 सेंटर्स देखे जाएंगे शहरों वाले, विद मिलियन पॉपुलेशन यानी जिनकी जनसंख्या कितनी हो, मिलियन से मिलियन हो या कम से कम मिलियन से ज्यादा हो। चलिए स्क्रैपिंग पॉलिसी, ये एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं हम। ठीक है, और पहली बार यूज हुआ ये, ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर बनाएंगे सरकार द्वारा, एक ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर खोले जाएंगे। इन ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर पर होगा क्या, देखो हम क्या होते हैं, जब बाइक खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, तो कुछ वर्षों बाद, 10 वर्ष बाद, 20, 25, 30 वर्ष बाद वो बेकार हो जाती है, हम उसको कवाड़ा में बेच देते हैं। अभी तक ऐसी कोई पॉलिसी नहीं थी कि भाई हमारी गाड़ी खराब हो गई है, इतने साल चल चुकी है, तो हम उस गाड़ी को बैक कर दें, उसके बदले हमें कुछ पैसा मिल जाए शायद, नहीं तो हम उसको कवाड़े में ही बेचा करते। तो अब ऐसा नहीं होगा, तो सरकार ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर खोलेगी जिसमें चेक किया जाए, तो अगर ये लिमिट क्या, आफ्टर 20 ईयर, 20 साल बाद आपकी कार जो है उसको चेक किया जाएगा, इन केस ऑफ पर्सनल व्हीकल, अगर आपका पर्सनल व्हीकल है तो 20 साल बाद, और कॉमर्शियल व्हीकल है, कॉमर्शियल मतलब जो डेली चलते हैं किसी कॉमर्शियल काम के लिए यूज इस्तेमाल होते हैं, तो उनको 15 साल बाद उनकी फिटनेस का टेस्ट इन सेंटर पे किया जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा कि भाई आपकी गाड़ी को चलने का अधिकार है कि नहीं, और आपसे वो गाड़ियां जो होंगे आपके व्हीकल गवर्नमेंट ले लिया करेगी, बदले में उसका कुछ पैसा दे दिया करेगी। अभी भी वैसे भी कुछ मिल नहीं पाता था उस चीज को, तो ये एक अच्छा स्टेप माना जा रहा है। ठीक है, कुल मिला के। ठीक, तो और देखिए क्या है, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या है भाई, देखो जितना खर्चा है हमारा, ठीक है, हम खर्च करने वाले हैं, ठीक है, और साथ में साथ जितना इनकम हो रही, तो अगर क्या होती है, इनकम कम होगी और खर्चा ज्यादा हो जाएगा, तो उसको कहते हैं फिस्कल डेफिसिट, यानी उतने अमाउंट की कमी पड़ गई, और कमी पड़ती है तो हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं से लोन लेते हैं। ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट कितना माना जा रहा है फिलहाल, 9.50%, यानी 9.5% माना जा रहा है अभी तक का अंदाजा है, हालांकि एक्चुअल डाटा आएगा मार्च के आसपास आता है हमारा, क्योंकि फाइनेंशियल का ईयर क्या चलता है, मार्च तक चलता है। ठीक है, तो मार्च से नया सा वो आपका लग जाता है। अब देखिए और लगभग 1.5 महीना बचा है, तो तब ये डाटा आ जाएगा हमारा, तो उस टाइम पे अभी क्या माना जा रहा है, फिस्कल डेफिसिट यानी कितना हमारा 9.50% है, किसका, जीडीपी का होता है, हमेशा किसका कैलकुलेट किया जाता है, जीडीपी का, यानी 9. जितना बजट हम वो किए हैं टोटल, उसका 9.5% हमें लगभग लोन उधार उधार इधर उधर से बेच बाच के अरेंज करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा डाटा हो जाता है 9.50%। ठीक है, हालांकि हमारा संविधान कहता है कि भाई ये 3% के नीचे नीचे रखने की कोशिश हमको करनी चाहिए, लेकिन भाई अब जानना है, आप लोग जानना है कि कोरोना की वजह से इंडिया क्या पूरे दुनिया की इकोनॉमी बर्बाद हुई पड़ी है, तो ऐसे में 9.50% पहुंच गया तो बहुत ज्यादा बड़ी बात ये नहीं है।
ठीक है, गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू लिमिट इट अप, और गवर्नमेंट ये अंदाजा लगा रही है कि भी अभी तक 9.50% हो चुका है और आने वाले फाइनेंशियल ईयर में हम कोशिश करेंगे कि इसको 6.8% के आसपास रख पाए। और हाँ, एक सबसे अच्छी खबर है कि भाई ये मान लीजिए बाकी जो नुकसान हुआ है हुआ है, इन्फ्लेशन यानी कि आपकी जो महंगाई है वो घटी है, ठीक है, वो क्या हुई है, घटी है, ये पॉइंट ध्यान रखना आपको। सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और हाँ भाई ये भी पॉइंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, जो बजट उसने दिया है, उसका 20 सरकार का लगभग 20% जो पैसा है वो चला जा रहा है इंटरेस्ट पेमेंट में। इंटरेस्ट यानी जो हमने लोन लिए हुए हैं, कर्ज लिया हुआ है, उनका इंटरेस्ट चुकाने में ही हमारी इकोनॉमी का 20% पैसा तो हम यहाँ पे कर दे रहे हैं। उम्मीद है आपको हमारे टॉपिक से, जो टॉपिक हमने आपको डिस्कस किया, बहुत सारे पॉइंट क्लियर होंगे, आपके एग्जाम में हो सकता है बहुत ज्यादा पॉइंट काम आए, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई। थैंक यू वेरी मच।